अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने हम्द के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको कॉपी पे काम करने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले बेटा, कॉपी में फर्स्ट पेज आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद डेट, क्लास का काम लिखें, सबक नंबर एक, हम्द, अल्फाज, मायनी, प्रॉपर अंडरलाइन करें, मार्जिन लाइन लगाएं। ये अल्फाज आपकी नज़म में से ही लिए गए हैं। फर्स्ट लफ्ज है अत्र, खुशबू, निराली, अनोखी, रुत, मौसम, समा, निजारा, अजीब, निराला। काउंटिंग प्रॉपर लिखें। अदा, हरकत, हम्द वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए। खुशनमाई, खूबसूरती, हिकमत, दनाई, जाड़ा, सर्दी का मौसम। अल्फाज मायने खत्म करें और एंडिंग लाइन लगाएं। फिर सवालात के जवाब आते हैं। सवाल नंबर एक है, परिंदों को किसने बनाया है? परिंदों को अल्लाह ने बनाया। सवाल नंबर दो, हम्द में शायर ने किन किन नेमतों का जिक्र किया है? हम्द में शायर ने फूल, परिंदे, आंखें, होंठ, जुबान और मौसम का जिक्र किया है। शायर ने हम्द में किन मौसमों का जिक्र किया है? शायर ने जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात का जिक्र किया है। इसके बाद हम इस नज़म का मरकजी ख्याल लिखेंगे। मरकजी ख्याल होता क्या है? मरकजी ख्याल का मतलब है किसी भी चीज को मुख्तसर करके लिखना। हम पूरी नज़म को पढ़ते हैं, इस पूरी नज़म को पढ़ने के बाद हम इसमें दी गई तमाम चीजों को मुख्तसर करके बयान करते हैं। जैसा कि शायर ने इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की है, हम इसे मुख्तसर करके अपने अल्फाज में लिखेंगे। शायर इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि इंसान, हिवान, चिरिंद, परिंद, मौसम, बागात सब अल्लाह ने ही बनाए हैं। अल्लाह ने हमें देखने के लिए आंखें और बोलने के लिए होंठ दिए हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद एंडिंग लाइन लगाएं। फिर जुमले हैं, अल्फाज जुमले। पहला जुमला है कुदरत, खुदा की कुदरत बहुत निराली है। ये जुमला मैंने बनाया है, आप खुद से भी जुमले बना के लिख सकते हैं। बरसात, बरसात का मौसम बहुत सुहाना होता है। रोशन, तलीन, रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। फूल, बाग में रंग बिरंगे फूल थे। शुक्र, हमें हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। एंडिंग लाइन लगाएं। उम्मीद है कि आपको कॉपी पे काम करने का तरीका समझ आ गया है। अल्लाह हाफिज़।